जी, बात सियासत के पत्ते की होगी, उन पत्तों की हो जिसको दिखाना कम और छुपाना ज्यादा होता है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ पहुंचे थे और बहादुरगढ़ दौरे पर ओम प्रकाश धनखड़ ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस मौके पर कृषि मंत्री ने विकास कार्यों के प्रचार का एक अनोखा तरीका भी लोगों से साझा किया। क्या तरीका मंत्री जी ने लोगों के सामने साझा किया है, इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट को समझिए, क्योंकि इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य से, राजनीतिक दृष्टिकोण से इस कोशिश पर चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार और सरकार के मंत्री आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार सक्रिय हैं। लोगों के बीच सरकार के मंत्री पहुंचकर विकास कार्यों का ब्यौरा पेश कर रहे हैं। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी बहादुरगढ़ पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। साथ ही इस मौके पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने अपने प्रचार करने के सबसे जुदा अंदाज को भी लोगों के साथ साझा किया। मैं जब हल्के में घूमता हूं तो मुझे एक बात ध्यान में आई, मारे हल्के के लोगों का ताश खेलने पर बहुत जोर है। तो मेरे को एक आइडिया आया कि मैं ताशाएं छपवा दूं, देख के काम करे, आप पर देख लेंगे। तो मैंने 52 पत्तों पर 52 काम छपवा दिए, नई तरह की गड्डी छपवा दी और इस पौधे के साथ साथ आपके पास एक ताश की गड्डी भी भिजवा दूंगा। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की माने तो कोई मैगजीन छपवाकर अपना प्रचार करता है तो कोई पंपलेट्स छपवाता है, लेकिन बादली हलके के लोगों को पत्ते खेलते देखा तो प्रचार करने के लिए ये आइडिया दिमाग में आया। यही वजह है कि कृषि मंत्री ने ताश के पत्तों की तरह 52 पत्ते छपवाने का फैसला लिया और हर पत्ते पर एक विकास योजना के बारे में लिखवाने की बात कही, जिसे लोगों के बीच में बांटकर सरकार की योजना बताई जाएगी। जनता टीवी के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़ की रिपोर्ट। तब ये लोगों में एक नई और आदत डालेंगे ताकि लोग काम ना कर सकें। लोग, कोई खेती करने वाला है, कोई छोटा मोटा धंधे करने वाले हैं, उनको ताश देख करके और उसमें बिजी करने का काम करें। ये तो ये मान के चलो किसान को कैसे मारा जाए, इसके लिए हर तरह के धंधे अपनाने का काम करें। कृषि मंत्री का क्या है, कृषि मंत्री को तो जब कभी ओले पड़ते हैं तो नाचने का मन करता है, जब कभी किसान की फसल लूटी जाती है तो फिर ये ढोल पीट करके फिर नाचता है। अब की बार मैंने कहा ढोल की लेकर के जाऊंगा, हर हालत में ढोल की लेकर के जाऊंगा, ढोल बजवा के हमारे MLA से कहूँगा कि अब ये ढोल बजा रहे हैं, तू इनके सामने खड़ा होकर के नाच, इस बात पे नाच कि हमने किसान को बर्बाद कर दिया। कल मौसमी सब्जियां, चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, 50 रुपए किलो से कहीं पर भी टमाटर, आलू, प्याज नहीं मिलता, परंतु ठीक थोड़े दिन पहले, 40 दिन पहले यही टमाटर मेरे एरिया में 1 रुपया किलो भी सरकार ने नहीं खरीदा, ना दूसरे आदमियों ने खरीदा। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ, कोल्ड स्टोरेज बना के, ये अधिकारी केंद्र के हो या प्रांत के, हम पिछले बहुत सालों से देखते हैं केवल जिक्र आता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज ना बढ़ाने की वजह से जो सब्जियां 1 रुपए किलो में सड़कों में फेंकते हैं वही सब्जियां आज 50, 60 और 70 रुपए किलो बिकती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रबंध करें, वरना इसी भाव की टमाटर प्याज की वजह से तो कई बार सरकारें भी बदल जाती है। इसी प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमारा बहुत सा सरसों की जो खरीद हुई उसमें मात्र 18% सरसों की खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी गई। मैं आपके माध्यम से कि मिनिमम स्पोर्ट प्राइस के हिसाब से आगे आने वाली फसल, चाहे वो बाजरा है, गवार है, कपास है, उसको आप दाना दाना खरीदें। जी, एक तो ये रिपोर्ट हमने साझा किया आपसे, उसके साथ साथ दो बयान भी हमने आपको सुनवाए। सांसद धर्मवीर का बयान जो अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसके साथ साथ अभय चौटाला का बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किसानों को बर्बाद करने की तरफ बीजेपी और उनके मंत्री ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, मिलवाते हैं आपको जनता टीवी के कार्यकारी संपादक प्रदीप डवास जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है बिलाल साहब आपका। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से रविंद्र ढुल साहब जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और हुकुम सिंह भाटी साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा, लगातार बयानों को लेकर के ओपी धनखड़ जाने जाते रहे हैं, चाहे मंत्री बनने के बाद की बात हो या मंत्री बनने से पहले की बात हो। इस एक बयान को मंत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें कि ताश के गड्डी पर या ताश के पत्तों पर बीजेपी के तरफ से जो किए गए काम है उनका उल्लेख किया जाएगा, एक अच्छा तरीका लगता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है?
देखिए साकेत, ये जो बादली में आज ओम प्रकाश धनखड़ ने कृषि मंत्री होने के नाते जो जो या हल्के का विधायक होने के नाते मैं कहूँगा कि बादली में जो ये स्टेटमेंट दी है कि इलाके के लोग जो या इलाके के लोग क्या अगर हम देहात में जाके देखने का वो करें तो ताश खेले जाते हैं चौपालों में बैठ के जो लोग अपना समय व्यतीत करते हैं वो ज़्यादातर ताश खेलने में भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो सरकार अपने काम करवाती है और उसका प्रचार जो महकमा एक सरकार का एक अलग से काम भी करता है, सरकार के किए हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने योजनाओं को पहुंचाने के लिए एक अलग से महकमा है, इसको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है, तो एक तो उसका काम है, फिर मंत्री जी ने जो आज ये स्टेटमेंट दिया कि ताश की गड्डियों पे छपवा देंगे ताकि हर हाथ में जो है या जो लोग ताश खेलते हैं और जो लोग गांव में बैठते हैं जो पंचायतों में बैठते हैं या बातचीत के दौरान जो है वो उपलब्धियाँ उनके हाथ में रहे वो बता सके आइडिया, तो इसमें संदेह नहीं कि एक क्रिएटिव है, लेकिन इस क्रिएटिविटी के पीछे जो सवाल खड़े हुए हैं और जो विपक्ष ने हमलावर हुआ, विपक्ष सीधी बात ये कही है अभय सिंह चौटाला ने कि लोगों को जो है इस काम धंधों से हटाकर ताश पर बैठाने की कोशिश की जा रही है, इस सवाल उठने लाजमी थे क्योंकि ये बयान ऐसा था कि विपक्ष हमलावर होता इस पर और हुआ, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो उपलब्धियों छापने के साथ साथ जो अपनी ही पार्टी के सांसद ने संसद में 6 तारीख को जो ये लोकसभा में सवाल उठाया कि जो सब्जी 1 रुपये किलो 40 दिन पहले बिक रही थी वो 40 दिन बाद 60 रुपये 40 रुपये किलो बिकने लगी है और किसान का कोई हमदर्द सरकार में नहीं है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकारों को किसानों के मुद्दे पे जाते हुए देखा है, तो गंभीरता वहाँ भी लाने की ज़रूरत है। ताश की गड्डियों पे आप अपना प्रचार कीजिए, इसमें कोई आपत्ति शायद किसी को नहीं होगी, लेकिन जो अपनी ही पार्टी के लोग अगर सवाल उठाने लगे हैं तो किसानों को एक भरोसा दिलवाने की भी कोशिश की जानी चाहिए कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है और किस तरह खड़ी है वो भी बताया जाना चाहिए। भाटी साहब, यही बात आप तक पहुँचाते हैं कि एक तरफ आपके कृषि मंत्री कहते हैं कि ताश के पत्तों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए कामों का जिक्र होगा, दूसरी तरफ आपके सांसद लोकसभा के अंदर कहते हैं कि किसानों का कोई हमदर्द इस पार्टी में नहीं है, कैसे इन दोनों ही बातों को आप सिक्के के दो पहलू मानेंगे या एक ही पहलू है, कोई हमदर्द भी नहीं है लेकिन योजनाएं तो बतानी है। साकेत जी, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आज का आधुनिक साधन है प्रचार तंत्र का, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन, SMS, व्हाट्सएप, जहां हमने उसको यूज किया है तो जो हमारे प्राकृतिक साधन थे, जो हमारे वो मंत्री जी ने कहा अभी लागू नहीं की। साकेत जी, एक बात तो मैं बिल्कुल एक स्पष्ट करना चाहता हूं, ऐसी कोई योजना अभी सरकार ने कोई लागू नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, 15,60,000 हमारे किसान हैं, वो जब अपना खेती बाड़ी में काम करते हैं उसके बाद उनके पास 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का समय मिलता है तो भाईचारे में 4 लोग बैठते भी हैं, आपस में बतियाते हैं, दिन भर की गतिविधि की बात करते हैं और वहां पर ताश खेलते हैं, क्योंकि वो एक मनोरंजन का भी साधन है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश अपने आप में एक बेहतरीन एक सांस्कृतिक धरोहर है। आप इस ताश को इससे ना जोड़िए कि उनको कोई निठल्ला किया जा रहा है, नहीं, हरियाणा प्रदेश में चौक और चौपाल के ऊपर ताश खेले जाते हैं, वो एक मनोरंजन का अभी तक भाटी साहब उस सवाल पर तो आए नहीं थे, हमने जो आपके सरकार के दो लोगों का जिक्र किया था है और मंत्री जी ने उसी समय तो दो लोगों का जिक्र किया, एक धनखड़ का जिक्र किया, एक सांसद साहब का जिक्र किया, चौधरी धर्मवीर जी आपके सांसद के ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और संसद के अंदर वही कह रहे हैं कि सरकार में किसानों का कोई हमदर्द नहीं है। मैं तो अभी चौटाला साहब के बयान पर आया ही नहीं। नहीं, मैं उस बात की तरफ भी आ रहा हूं। देखिए, धर्मवीर जी ने जो कहा है वो हमारे पार्टी का, हमारा अपना वर्कर भी इस बात को महसूस करता है और कहता है, क्योंकि
हमारी ही सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को 50% बढ़ा करके दिया। मतलब सांसद धर्मवीर लोकसभा के अंदर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने ना INLD ने दिया, सांसद धर्मवीर लोकसभा के अंदर झूठ बोल रहे हैं। भी व्यवस्था कर रहे हैं आपके सांसद, आप ही की सरकार को कटघरे में जो खड़ा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वही धर्मवीर जी ने सर आपके तौर पर कहा, आपने विजुअल देखा हो तो वो दुष्यंत चौटाला नहीं थे जो बोल रहे थे सरकार के खिलाफ। हमने रेट्स दिए हैं उसके तहत, वो धर्मवीर जी थे, आप ही की पार्टी के सांसद झूठ बोल रहे हैं। उसको दूसरी बात, सांसद धर्मवीर झूठ बोल रहे हैं, कोई उसकी जो है ना वो चलिए। उन्होंने ये कह दिया भाटी साहब, उन्होंने ये कह दिया कि सरकारों को जाते हुए देखा है किसानों के मसले पे, अगर नहीं चेते तो चले भी जाएंगे। एक ये चेतावनी भी उन्होंने सांकेतिक तौर पर आपको एक यह संकेत दिया। प्रदीप जी, वो एक सांसद हैं और बहुत जिम्मेदार देश की पंचायत के वो सदस्य हैं। उन्होंने देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर चुनाव में किसान और किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और उन्होंने उसी बात के संदर्भ में ये बात कही है। इस बात को मैं समझता हूं कि दूसरे विषय में लेने की कोई बात ही नहीं है। नहीं लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी लीजिए, नहीं तो चले जाएंगे आप। वो ये कह रहे हैं, कोई काम करती है उसमें तो आप चले जाएंगे। वो ये कह रहे हैं, ठीक है। रविंद्र ढुल साहब के पास जरा से लेती है, और किसानों के इंडियन नेशनल लोकदल का रुख कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिया, ढुल साहब ऐसा तो है नहीं कि ताश की गड्डी पर अगर या ताश के पत्तों पर अगर बीजेपी की योजनाएं छप जाएंगी तो किसान ज्यादा वक्त बिताएगा ताश के साथ। चौराहे पर किसान या फिर गांव के बुजुर्ग अक्सर ताश खेलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं और उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं? मैं आपको पूरी इसमें डिटेल में मैं जाना चाहूंगा। ये जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी की संजीदगी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाया है, बिल्कुल जायज लगा है। ये वही मंत्री है जो मंत्री MLA रिएक्ट होने से पहले हरियाणा के अंदर कहते थे कि मैं बाहर से बहू लेकर के आऊंगा। ये वही मंत्री है जिन्होंने कहा था कि किसानों की आत्महत्या करना फैशन बन गया है। ये वही मंत्री है जो आज के दिन जो हरियाणा के अंदर ढोल बजा करके नाचते घूम रहे हैं और आज ताश के पत्ते बांटते घूम रहे हैं। ये मंत्री का जो बर्ताव और ये मंत्री का जो रुतबा और जो उनकी संजीदगी, उसके ऊपर टिप्पणी है और बड़ी जायज टिप्पणी है जो चौधरी अभय सिंह जी ने की है। यदि इनके पास में 52 विकास कार्य हैं ये बताने के लिए, मेरे पास में इनके लिए 52 प्रश्न है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन 52 प्रश्नों को उठा करके मैं ताश की पत्ती के ऊपर वहां पर जाकर के छपवा करके दे दूंगा। सर वो आप इसकी जगह ये कहते हैं जहाँ पर गाँव चुनाव से पहले कुछ होगी, ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मेरी बात को समझिए, पहले पूरी बात को करने दीजिए, पूरी बात को करने चाहिए सर। एक मिनट, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसके जगह ये जहां पर लोग ताश खेलते हैं गांव चौपालों के अंदर, उनके पास जाकर के अपने 52 जाकर के आप पैम्फलेट लेकर के जाते हैं कि इन 52 ताश के पत्तों को छोड़कर के इन 52 पैम्फलेट्स को आप पढ़िए, ये ज्यादा एक बेहतर होता बजाय इसके कि उनको ये कहिए कि नहीं आप वो वाले ताश खेलिए। तो वही बात है कि जो जो इस संघ का जो प्रोपेगेंडा है आप उसके ऊपर जारी रखिए, जो बेसिक जो चीजें हैं उन बेसिक चीजों के ऊपर बात ना करें। मेरी दूसरी बार बात आएगी, मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, पहले इन्हें बोलने दीजिए जो ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास और बहुत सारे और सवाल है जो आपसे भी करने हैं, लेकिन उससे पहले बिलाल साहब आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, अभी जैसे हुकुम सिंह भाटी जी कह रहे थे कि भाई वो जिम्मेदार सांसद की बात कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने, उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं, और जिस तरीके से कहा रुपए किलो टमाटर बिका, और ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी योजनाओं की बात कर रहे हैं। 154 वादों की बात करते थे, उनको ये भूल गए, अब ये 52 पे आ गए, और ये ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में ये कपड़े उतार उतार करके प्रदर्शन करते थे। नहीं, ये धनखड़ जी की गलती है क्या कि ताश के गड्डी में 52 ही पत्ते होते हैं? ये तरीका समझ सर, 52 पत्ते हैं तो 52 ही छपेंगे ना सर? नहीं नहीं, ये 52 देखिए, अब 154 वाला ताश का गड्डी आप ला दीजिए तो 154 छाप देंगे वो, इनका बस नहीं चलेगा। ये 52 के पत्तों की तरह जनता इनको भी घेरने वाली है, वो तो 19 में पता चलेगा ना सर। जिस तरह पत्ते भिड़ेंगे ना, इसी तरह ये मंत्री और आप अपनी पार्टी को तो सहेज के रख नहीं पा रहे। आपकी पार्टी तो ताश के पत्तों की तरह वो बिखरी पड़ी है। वो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी अपनी जगह मौजूद है और बखूबी काम कर रही है। और सत्ता ताश के पत्तों में कई इक्के होते हैं, आपके में भी बहुत सारे बादशाह और इक्के और गुलाम सब नजर आ रहे हैं, सब अलग अलग। वो सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, कोई बादशाह हो या कोई किसी भी एक वर्कर के रूप में सारे काम कर रहे हैं,
और सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जब आपकी बारी आती है तो वो 52 पत्ते इकट्ठे होकर गड्डी बन जाती है। नहीं, गड्डी की बात, और जब बीजेपी की बात आती है तो आप कहते बिखर जाएंगे। जो नीति जो ये लेकर के आ रहे हैं ना 52 पत्ते, ये तो जनता को खेल लगाने की बात है और कोई इनका कार्य करने की मंशा नहीं है। और जिस तरीके धर्म आप रथ चला लीजिए सर, आप साइकिल चला लीजिए सब, ठीक है, वो ताश के पत्तों पर बात करते तो वो गलत हो गया। और इनका एक छोटे से ब्रेक ले रुक जा रहे हैं, इनका इलाज एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। और दर्शक भी सब समझ रहे हैं, जनता टीवी जो देख रहे हैं इस वक्त वो भी समझ रहे हैं कि कौन किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरना चाह रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भाटी साहब, सवाल यही है आपसे कि इन 52 पत्तों पर 52 योजनाएं या फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से किए गए 52 कामों को बताकर क्या हासिल होगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर आपने वाकई काम किया है तो फिर सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी ना। फिर आप ताश के पत्तों पर छपवाइए या ना छपवाइए, आंखों से तो नज़र आ रही होंगी ना। साकेत जी, आज सारी चीजें नजर आ रही हैं, बिल्कुल आज सामने हैं। आज हरियाणा प्रदेश में ताश के पत्तों पर छपवाने की जरूरत क्या है? क्योंकि उसको जो नहीं, वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि छपवाने की आवश्यकता इसलिए है कि जिन लोगों को पता नहीं है, मान लिया, और ये उपलब्धि बिल्कुल उस दूर दराज तक भी जाए, और जो हो सकता है कि कोई कुछ किसानों को ये गुमराह करना चाहते हैं, उनको भी पता लगेगा कि ये सरकार ने क्या क्या काम किया। अभी दो बातें आप खुद कह रहे हैं, अपनी बातों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बातें बड़ी स्पष्ट, आप अपनी बातों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 52 पत्तों की नहीं, आप अपनी बातों को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाटी साहब, एक तरफ आप कर रहे हैं सबके सामने, एक तरफ आप कह रहे हैं सबके सामने, फिर आप कह रहे हैं कुछ जिन लोगों को नहीं पता है। ये उपलब्धियां इतनी होंगी कि उन पत्तों को कई बार जो है मिलाना पड़ेगा। दूसरी बात साकेत जी, अभी जो है वो अपना कांग्रेस के भाई बिलाल जी बात कर रहे थे कि भाई कपड़े उतार के प्रदर्शन किया। बिल्कुल, इसलिए प्रदर्शन नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। काम क्यों नहीं किया, कहां लागू नहीं किया? और देखिए, उनको लागू करने वाली समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन रिपोर्ट्स को लागू किया। कहां लागू किया? जो कीमत जो आती है किसान की कॉस्ट, उससे बढ़ा करके दे। स्वामीनाथन चैनल पे बैठ करके झूठ मत बोलिए। स्वामीनाथन ने खुद पे बैठ करके झूठ मत बोलिए। स्वामीनाथन ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि भाटी साहब नाटक जो हरियाणा प्रदेश में दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं। भाटी साहब, स्वामीनाथन का खुद बयान आ चुका है कि ये जो सिफारिशें थी उससे कम मूल्य बढ़ाया गया है। एक भी मीटिंग कभी हरियाणा में नहीं बुलाई, और अगर बुलाई है तो वो डेट बता दें, उसकी मिनट्स बता दें। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, लोगों को बताना भी उसका एक पार्ट है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया? अच्छी बात है, खुशफहमी में रहिए कि आपने काम किया है, और उसको बताने के लिए आपको ताश के पत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, कीजिए, आपकी स्ट्रेटजी है। ढुल साहब, मैं एक सवाल, आप जो कहना चाह रहे हो अपनी बात भी रख लीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल ये भी है। मैं बात कर रहा था स्ट्रेटजी की। हर राजनीतिक दल की अपनी कोशिश होती है, अपनी एक पहल होती है, अपना एक तरीका होता है चुनाव में जाने का। आप लोगों ने भी SYL के पानी को लेकर के कस्सी उठाया और चले गए कि पानी लेकर के आ जाएंगे, खुदाई कर देंगे। वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि आपको भी पता था कि आप ना तो खुदाई करेंगे ना ही आप पानी ला सकते हैं, मामला जुडिशियल है। अब सवाल ये उठता है सर कि अगर इन्होंने अपना अप्रोच किया है, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें इतना एतराज क्यों? अभय सिंह चौटाला साहब ये कह रहे हैं कि इस बार तो हम विधानसभा के अंदर ढोल बजवाएंगे और कहेंगे मंत्री जी से कि नाचिए। बजवाएंगे, इस बात को समझिए। पहली बात तो इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन को हमने लागू किया, तो ये झूठ बोल रहे हैं। स्वामीनाथन लागू नहीं हुई, क्योंकि स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन C2 के ऊपर है, इन्होंने लगाया है A2+FL के ऊपर। तो ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके ढोल को विधानसभा में हम जा करके बजवाएंगे। दूसरी चीज,
मैं इनसे मैंने एक बुनियादी चीज कही थी, इन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय पे कोई भी मीटिंग नहीं हुई, तो इनको मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ मीटिंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हम हरियाणा के हिस्से के अंदर और हरियाणा का के पक्ष में फैसला लेकर के आए थे, हमारे समय में मीटिंग करवाने का दौर 2004 के बाद होना चाहिए था, 2005 से आगे कांग्रेस थी और उसके बाद में आकर के भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे मूर्ख बनाने का काम। तीसरी चीज, मैंने इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ आज के दिन में, ये बुनियादी एक मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दें कि ये इन्होंने 2 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर जो है आपका जो स्ट्रो है पराली को हमने जलाने का काम जो है गैर कानूनी कर दिया, इन्हें पता है पराली जलाने का काम आने वाला है अगले एक महीने डेढ़ महीने के बाद में, 1 साल पहले इन्होंने पॉलिसी बनाई गई कि स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का एक मशीन लगाई जाएगी सारी की सारी कंबाइन के पीछे, इन आज तक 1 साल से उनकी ये पॉलिसी तक नहीं बना पाए, पंजाब 1 साल पहले लागू करके बैठ गया और आज के दिन में आप किसानों के ऊपर 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाएंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? डीएपी को महंगा किया उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने स्प्रे को हरियाणा के अंदर महंगा किया उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने ट्यूबवेल के कनेक्शन को 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी तक जाकर के पहुंचा दिया जबकि व्यापारी के लिए वो सिक्योरिटी केवल 4,000 रुपए की है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं किसको, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कौन से बुनियादी कार्य करने का काम कर रहे हैं। मेरे पास ये इनके पास में 52 है ना, मेरे पास में 5200 प्रश्न है इनके इनसे पूछने के लिए, कितना जाकर के झूठा प्रचार करेंगे। ठीक है, अगर ढुल साहब आप ये कह रहे हैं कि ये 52 प्रचार करेंगे तो आपके पास उन 52 प्रचारों का जवाब भी है या फिर उसका तोड़ भी है, लेकिन सवाल तो ये है सर कि इनके प्रमोशन के तरीके पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? करने दीजिए ना जो करना है, जनता तो क्यों बेवकूफ थोड़ी है, मतदाता बेवकूफ नहीं प्रमोशन है। प्रमोशन का करिए, ये जो करेंगे इनका ढोल हम बजाएंगे विधानसभा के अंदर, हमने कब कहा ये कह रहे हैं कि किसानों ये का बर्बाद स्पीकर क्यों कह रहे हैं हम विधानसभा के अंदर ढोल नहीं बजाने देंगे, छपवा करके किसान जब ये पूरे हरियाणा के अंदर जाकर के ढोल बजा सकते हैं नाच सकते हैं किसानों के हाथ में, अगर भारतीय जनता पार्टी के उन 52 उपलब्धियों वाला पत्ता होगा ताश का तो किसान बर्बाद कैसे हो जाएगा, इसका तर्क क्या है सर? मैंने कब कहा है? अभय चौटाला जी ने कहा ना, या तो हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, उन्होंने अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि किसानों को बर्बाद कर देंगे, विधानसभा के अंदर ढोल बजाएंगे, उन्होंने समग्र उसके अंदर ये बात कही है, केवल ये बात पत्तों की नहीं है इनके नाचने की भी है। मैंने कहा ये तो वो मंत्री है जो हरियाणा के अंदर बहू लेकर के आ रहे थे बिहार से, ये तो मैं कह सकता हूं कि ना तो इनके अंदर कोई सीरियसनेस है ना ही कुछ और, ये केवल एक ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा भी बिल्कुल निम्न स्तर का कर रहे हैं। ठीक है, बिलाल साहब देखिए, साकेत जी मैं आपको साफ तौर पे बताऊं, जिस तरह ये किसानों की हितैषी होने की बात कर रहे हैं, किसानों को 52 पत्ते देने की जो बात कर रहे हैं और अपनी योजना है उसमें ये लिखेंगे, किसानों को तो बर्बाद कर दिया बीजेपी की सरकार ने, ये कहां से ये इनका श्रेय लेंगे और क्या किसानों को आबाद थे जी, आपके टाइम में तो आबाद थे नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह देखिए, इस तरीके का उत्पीड़न जो इस सरकार के समय में हो रहा है इस तरह की बात नहीं, और जिन विकासों की बात कर रहे हैं और जिस विकास की बात कर रहे हैं और वो वाली बात है साकेत जी, ऐसा आपने क्या दिया था सर जो इन्होंने छीन लिया? देखिए दिया नहीं, हम तो किसानों को नहीं, ये बता दीजिए ऐसा आपने क्या दिया था जो बीजेपी की सरकार ने छीन लिया? देखिए मेरी बात सुनिए, किसानों को हम 12 के जो कनेक्शन बहुत आसानी से उपलब्ध करा रहे थे जिसको इन्होंने लाखों रुपए में कर दिया, जो किसान के बस का ही नहीं है कि वो पैसा दे करके अपने 12 का कनेक्शन तो ले ले, ये कौन सी रणनीति के तहत किसानों का आबाद करने की बात कर रहे हैं? हमने साकेत जी किसान को बर्बाद नहीं किया, किसान को समय समय पर मुआवजे की बात रही हो या किसान के कर्जों की बात रही हो, किसानों के बिजली के बिल माफ किया और हमने तमाम तरह के बिजली के बिल माफ किए। ये तो सर एक ऐसा लॉलीपॉप है कि हमने ये माफ कर दिया, आप जो कह रहे हैं ना किसानों के लिए क्या दिया, ये तो एक लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं, कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकाला ही नहीं ना आपकी सरकार ने, कोई बात नहीं, कांग्रेस ने माफ करना कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं है। मैं इसमें एक आंकड़ा और जोड़ देता हूँ बिलाल साहब, 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ हुए थे मैं आपको बता दूं, और वो 1600 करोड़ रुपए 10 साल तक गाए गए और 10 साल बाद जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई वो 1600 करोड़ रुपए करीब 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बन के दोबारा से खड़ा हो चुका था। साहब आप माफी की बात मत कीजिए, भूकंप सिंह भाटी जी आप एक बार बताइए सर, आप कह रहे हैं कि 52 पत्तों पे उपलब्धियां छपवा के किसानों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्या क्या सरकार ने किया है, आपके पार्टी के सांसद खड़े होकर कहते हैं कि अगर किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो सरकारें चली जाती है और जाते हुए लोगों ने देखा है, सीधी चेतावनी आपके लिए है आपकी पार्टी के लिए है,
आप कितनी भी उपलब्धियां छपवा लीजिए, जब आप ही के पार्टी के लोग इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है, आपको संभल जाना चाहिए। और किसानों को लेके अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत कहें, अगर किसानों की बात हो रही है तो लोकसभा में अगर उन्होंने ये बात उठाई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी है और जो काम हुए हैं उनमें भी अभी ये समीक्षा करनी बाकी है कि जो योजनाएं लागू की गई है क्या वो पर्याप्त है और क्या वो पूरी तरीके से लागू कर दी गई है? प्रदीप जी देखिए, जहां तक आपने धर्मवीर जी के बयान की जो बात की है, उस बयान को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो उसकी कीमत जो बढ़ाई गई है उसकी पूर्ण जो है खरीदारी होनी चाहिए। उसके लिए एक एक सरकार को एक, उन्होंने इस बात के लिए आप आगाह कहिए, सरकार को एक सुझाव दिया है, केवल और केवल उन्होंने दिया है सर, चेतावनी दी है, उन्होंने साफ कहा है कि सरकारों को जाते हुए देखा है, वो एक सुझाव है। भाटी जी, इसके साथ आपके सांसद जो कह रहे हैं इसका मतलब ये आपकी सरकार काम नहीं कर रही। बिलाल जी आप एक बात देखिए, आप कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही, आपके सांसद कह रहे हैं सर 30 करोड़ रुपए आप कहते हैं हमने माफ किया, वो किसान का गन्ने का हमने निपटाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में निपटाया। दूसरी बात आप कहते हैं जितना सरकार के ऊपर कर्ज था ना, दुगना कर्ज ले चुके हो आप। एक जानकारी आप आपके ओर दे रहा हूं, सुनिए भाटी साहब, एक जानकारी आपको यह भी दे दूं, भाटी जी हरियाणा कगार पर पहुंचा दिया, हरियाणा सरकार के ऊपर जितना कर्ज था आप दुगना ले चुके हैं उसका कर्जे का। उससे जो किसान हमारा आबाद होता था, जो आगे लोन लेता था, प्रदीप जी मैं अपनी बात को पूरी कर लूं जरा, मेरे को आप बहुत थोड़ा सा समय दीजिए, कि जो लोन किसान लेता था अपनी फसल के लिए दूसरे कामों के लिए, आपने बैंक को पैसा तो दिया नहीं, ना कोऑपरेटिव बैंक को, ना लैंड मॉर्गेज बैंक को, और आगे का लोन माफ करने का आपने एक ढोंग किया, उससे किसान का इतना तो बड़ा के नाम पे लूट लिया है, किसान का नुकसान किया है कि उसको भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने के लिए भी पूरा समय चाहिए, और हमने बहुत कुछ बहुत हद तक उसको ठीक करने का काम किया है। आपने तो किसानों को इंश्योरेंस के नाम पे लूटा है। जो कांग्रेस के समय INLD के समय नुकसान में रहता था, वही बिजली बोर्ड आज प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है, उससे रेट भी कम होने वाले हैं। आप देखिए, आपने हर सबसे ज्यादा महंगी बिजली बेच रहे हो भाटी जी, कौन सी दुनिया में, कौन सी दुनिया के भाषण पढ़ रहे हो आप? ये बहुत सारी उपलब्धियां हरियाणा में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बेच रहे हो आप लोग। साधन आज के आधुनिक साधन का भी यूज किया, तो परंपरागत साधनों का भी यूज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, जो कोल्ड स्टोरेज का मसला उन्होंने उठाया लोकसभा में, उस पर और थोड़ा सा बोल दीजिए सर, उस पर ही बोल दीजिए, क्योंकि लगातार जब से सत्ता में आए हैं, जब से फल और सब्जियों को लेके ये आश्वासन तो दिया जाता रहा है, लेकिन किसान जो फल और सब्जी उत्पादन करते हैं उनके लिए तो बड़ी दिक्कतें हैं साहब, उस पर और बोल दीजिए। अभी ये 6 तारीख का ही बयान है इसी महीने की। प्रदीप जी देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं, एक पार्टी का जिम्मेदार एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि आज तक कभी भी हमारे से पहली सरकारों ने किसान का ऊपर कोई समग्र योजना नहीं की बात कीजिए, उस बयान की बात कीजिए, किसान की आमदनी पिछली ने जो किया उसके लिए तो बढ़ाया है, उसकी फसल का दाम, उसके अलावा दूध का काम बढ़ाना, सब्जी का काम बढ़ाना, ये सरकार ने योजना बनाई है, भावांतर योजना। प्रदीप जी देखिए, भावांतर योजना उसी का एक किसान दूध सड़कों पे बहा रहा है आयाम है, क्योंकि चार फसलें जिसमें आलू टमाटर प्याज गोभी, उसका एक रेट तय कर दिया, अगर उस रेट से नीचे जाती है तो सरकार भरपाई करेगी। क्या कभी कांग्रेस ने किया था? ये लिखवाएगा, ताश के पत्तों पर लिखवाएगा, सवाल का जवाब कभी सोचा नहीं। ठीक है, एक सवाल का जवाब, किसे नहीं पता है आपकी उपलब्धियों के बारे में? इसका जिक्र आपने किया, कुछ लोग ऐसे हैं हो सकते हैं, मैं बस वो जानना चाहता हूं, किसे नहीं पता है? नहीं देखिए, बात पता की बात देखिए, हरियाणा जो प्रदेश है, यहाँ की 2.5 करोड़ की आबादी है, हमारा जो 15,60,000 किसान है, लगभग हर परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है, और किसान को इस बात से अवगत किसान है, आज आज बिल्कुल जमीनी सतह पर काम नजर आ रहा है,
मैं यूरिया की बात करूं, सर मैं पूछ रहा हूं किसे नहीं पता है, बिक्री की बात करूं, आप किसे पता है वो बता रहे, किसे नहीं पता ये बताइए ना सर, फैक्ट्रियों को बेचा, किसे नहीं पता है, दूसरे राज्यों किसे बताने की कोशिश करेंगे, आज वो हरियाणा में सुलभ है, किसको टारगेट कर रहे हैं सर, तो ये सारे काम किए हैं, किसे नहीं पता है किसको टारगेट करना है बताइए ना। नहीं नहीं सुनिए, टारगेट नहीं करना हमने, देखिए प्रचार और प्रसार करना आप ही ने कहा है, ये तो हर सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। चलिए मैं एक सवाल ढुल साहब आपसे करता हूं, ढुल साहब एक सवाल मेरा आपसे है, हम जनता तक उन चीजों को लेकर जा रहे हैं, ठीक है भाटी साहब, ढुल साहब मेरा एक सवाल आपसे, एक राजनीति के स्तर की बात लगातार की जाती है कि राजनीति का जो स्तर है वो कितना ऊपर है और कितना नीचे है, आपने तैयारी कर ली है कि विधानसभा के अंदर आप ढोल बजवाएंगे और कृषि मंत्री से कहेंगे कि नाचिए, राजनीति का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जब एक हम एक ऐसे प्रदेश के अंदर हैं जहां की सरकार के मंत्री जो है समस्याओं का उन्मोदन, मैंने तो केवल दो ही समस्याएं यहाँ पर गिनवाई आपके माध्यम से, समस्याओं का उन्मोदन करने की जगह घर घर आपने सड़क सड़क पर जा कर के ढोल बजा कर के नाच रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री रागिरी के नाम से जो है वहाँ पर डीजे बजा रहे हैं, उस जगह के ऊपर यदि विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर ये ढोल बजा करके नाच करके लोगों को ये संदेश दे दे कि हमने किसान का भला कर दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब विधानसभा और प्रदेश के लेवल पर आना चाहिए, अगर उन्होंने गलत किया है, विधानसभा के अंदर नाचना, अगर आपको लगता है कि पंचायत के अंदर नाचना, पंचायत से बाहर नाचना है, तो ये नाचने वाले नाच करके दिखा दे, तो आप भी उसी लेवल पर आएंगे। इन्होंने ढोल, इन्होंने जिस प्रकार का स्तर गिराया है उस स्तर के ऊपर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पता है कि किस विधानसभा सेशन के दौरान जो है विपक्ष के लोगों ने सत्ता पक्ष को इस बार जो है ढोल बजेगा, ये किस तरह की, क्यों बिल्कुल किस तरह ये नहीं ढुल साहब, ये परंपरा किस तरह की, क्या राजनीति का जो साकेत ने सवाल ये, पूछा, ये, 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 ये वही सरकार है जो सब्जियों की माला बना करके जो है सब्जियों की माला बना करके बैठती थी और चप्पलों को लेकर के और सिलेंडर को लेकर के प्रचार वो करते थे, प्रदर्शन करते थे या अर्ध नग्न होकर के प्रदर्शन करते थे, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राजनीतिक स्तर को गिराना। तो आपकी तो जिम्मेदारी, मुख्य विपक्षी दल है, आपकी तो जिम्मेदारी कि स्तर को ऊपर लेकर जाया जाए, एक एग्जांपल पुट अप किया जाए कि देखिए राजनीति का स्तर ये होना चाहिए। हम चेता रहे हैं, बंद कीजिए ड्रामा, वरना आप जाकर के विधानसभा में भी नाचेंगे, ये बंद कर रहे हैं, इन्होंने तो और ऊपर कर दिया, हम तो ताश भी इसके हमारे विकास के पीटेंगे यहाँ पर बैठकर। अच्छा यही सवाल बिलाल साहब अगर आपसे, जब हम चेता रहे हैं तो उसको ठीक करने की जगह गिरा रहे हैं, ताश के पत्तों पे 52 पत्तों पे 52 उपलब्धियां छप जाएंगी तो आपत्ति क्या है सर आपको? देखिए आपत्ति हमें सिर्फ यही है डब्बा साहब कि ये जो 52 पत्तों के ऊपर जो अपनी योजनाएं जो लिखे, इसमें इनके पास कुछ लिखने के लिए भी नहीं है, इसके नाम पे भी ये घोटाला करेंगे, उनकी सिरदर्दी है ना कि उनके नहीं, पास नहीं, कुछ नहीं इसके है। नाम पे भी इनकी उपलब्धियां है क्या? देखिए उपलब्धि होती तो जनता को दिखाई देती, वो सोचेंगे नहीं, नहीं सोचेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं साकेत भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर, ये जनता के पैसे को इसी तरह पानी में बहाएंगे। देखिए जिस पैसे आपने का तो उनके घर में गंगा बहा दी थी, नहीं नहीं है ना उनके पैसों का, 52 एक के बाद एक घोटाले आ रहे हैं सामने, इसके नाम पर भी एक ये नया घोटाला करेंगे। और भाटी जी भी कह रहे थे किसानों के हितैषी होने की बात कर रहे थे, इन्होंने तो किसानों को जितना इस बीजेपी की सरकार ने लूटा उतना किसी सरकार ने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया। ताश के पत्तों में डर लग रहा है, देखिए ताश के पत्तों में इनके पास है ही कुछ नहीं, कह रहे गांव के नुक्कड़ पर गलियों पर पहुंच जाएगा ये ताश का पत्ता, कुछ नहीं है और इस पत्तों पर छपी हुई योजनाएं पता चल जाएंगी लोगों को। ये सिर्फ किसानों को, मजदूरों को, जनता को सिर्फ खेल लगा के रखना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, हमारा डमडमा देखते तो रहिए, आपने एंटी गवर्नमेंट जो प्रचार किया उस प्रचार का एक ब्रह्मास्त्र निकाल दिया बीजेपी ने, कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपको डर लग रहा है, शगुफा लिया है, ऐसा तो नहीं डर रहे हैं आप? साकेत जी आप भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप भी यही है और हम भी यही है, और आप देखना ये कौन सी योजनाओं को लिखवाएंगे, ये एक योजना को अपने नहीं बता सकते कि जो इन्होंने योजना के पूर्ण रूप से इन्होंने जनता के लिए काम किया, और ये कौन से 52 पत्तों की बात कर रहे हैं, जितना लूटने का काम, मजदूरों की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, इन्होंने हमेशा हर क्षेत्र में जनता का उत्पीड़न किया और जनता को लूटने का काम किया। एक सवाल भाटी साहब से ये है मेरा कि सेशन के बीच में प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए बात कही गई थी राव इंद्रजीत की ओर से कि और तो और लोग तो वक्त नहीं ले पाए हैं SYL को लेके, लेकिन हम लोग मिलेंगे, वो कुछ सांसदों को लेके मिलना भी चाह रहे थे, सेशन भी लोकसभा का अब खत्म हो चुका है सर, वो मुलाकात तो हुई नहीं,
SYL को लेके जो नॉन सीरियसनेस का आरोप आप लोगों पे लगता रहा है, वो अब कहीं ना कहीं लोगों को एक भरोसा उठ सा नहीं गया आपके ऊपर से? प्रदीप जी, से बात कर रहे हैं? ये कहीं इस तरह बात कहीं लगती नहीं। देखिए बताइए क्यों, क्योंकि जो कांग्रेस और इनेलो केवल और केवल एक दिखावा करने का काम कर रहे हैं। जो स्पेशल रेफरेंस डाला वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने स्पेशल रेफरेंस डाला, इसीलिए आपके सांसद नई पार्टी बना रहे हैं। उसके अलावा जानकारी नहीं है, पहल की गई है भाटी साहब संजीदगी से। भाटी साहब एबीसीडी पढ़ने के बाद A4 एप्पल भी आता है। 2005 में गया था, करेक्ट कर दीजिए भाटी साहब, फिर मुरा बनाने का काम कर रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी। भाटी जी भाषण बंद करेंगे जरा, एक सेकंड। आपके सांसद तो नई नई पार्टियां बना रहे हैं। INLD तो एक दिखावा, क्योंकि इनके पास मुद्दे तो है। SYL के ऊपर जो सांसद आपके प्राइम मिनिस्टर से मिलने का टाइम मांग रहे थे, वो नई पार्टी उन्होंने अपना मंच बना लिया। एक राजकुमार सैनी जो जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। क्या बिगड़ता है? मैं इनसे पूछता हूँ कि लाखों और करोड़ों रुपए सेशन पर खर्च होता है, आप उसको ढोल बजाने में इस्तेमाल करेंगे? आप लाइए ना, आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन के लीडर हैं आपके अभय चौटाला जी, लाइए ना उन समस्याओं को ताकि हम बता सकें कि हमने ये किया है। आप इस बात को लाइए ना, आप ढोल के विधानसभा का जो सत्र है उसको खराब करना चाहते हैं, तो सो गुना का चैलेंज दे रहा हूं यहां पर। और क्या चाहिए आपको? शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अब दर्शक हैं, आपको ही समझना है, आप जनता हैं, आपको ही समझना है कि आखिर क्या फैसला आपको लेना है। पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।